नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो पर। आज है 24 मई और दिन था शुक्रवार। जैसे कि आप जानते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है शुक्रवार को, तो आज हमने कुल दिन के चार ट्रेड लिए हुए हैं। दो ट्रेड हमने मिड निफ्टी में लिया हुआ है और सेंसेक्स में भी हमने दो ट्रेड बनाए हुए हैं। हालांकि हमें सेंसेक्स में कुछ ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बना नहीं आज का दिन का, क्योंकि कुछ मूवमेंट जो आज की थी साइडवेज ही थी ज़्यादातर इंडेक्सेस में, निफ्टी 50 में और सेंसेक्स बैंकेक्स और फिन निफ्टी देख लें तो आज साइडवेज ही मार्केट एक तरीके से था। लेकिन हमने मिड निफ्टी में एक अच्छा मोमेंट पकड़ा और मिड निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ है। तो आगे चल के हम अपने ऑर्डर लिस्ट में आपको दिखाएंगे कब कब हमने क्या क्या ट्रेड लिए हुए हैं, और उसके बाद एंड में हम अपना पोर्टफोलियो भी आपको शो करेंगे मुझे दिन का कितना प्रॉफिट हो रखा है। आगे बढ़ने से हम आपसे माफी चाहेंगे कि हमारी वीडियोस में काफ़ी दिन से अभी नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं कुछ दिन से ट्रेडिंग अपनी बंद किया हुआ था। आजकल के मार्केट ऐसा भी है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी टिपिकल मार्केट हो चुका है और काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हुआ है, तो हम अभी अवॉइड कर रहे हैं। इलेक्शन के दौरान आप जानते हैं कि बहुत ही बड़ा इवेंट माना जाता है शेयर मार्केट के लिए इलेक्शन का टाइम, क्योंकि ऐसे टाइम पर बहुत ही वोलेटाइल और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल तरीके से मार्केट मूव करता है। तो अगर आप बिगनर हैं या आप छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हैं या अगर आप मार्केट में नए आए हुए हैं, तो अभी आपको ऐसे मार्केट में अवॉइड करना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट भी अभी ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी मार्केट को थोड़ा ठहर जाने दीजिए, क्योंकि अभी मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट हो सकते हैं और मार्केट क्रैश होने के भी चांसेस होते हैं ऐसे टाइम पे। तो इसीलिए हालांकि मैं तो बिजी था इसलिए मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। आज मैंने सेंसेक्स में अच्छा दिन देखा और मैंने सोचा कि आज अच्छा ट्रेड बनाते हैं और मुझे प्रॉफिट भी हुआ, तो मैंने आज के दिन में प्रॉफिट का मैंने एक वीडियो सोचा कि आपको प्रोवाइड कराऊं और अपनी स्ट्रेटजी बताऊं कि मैंने कैसे और क्या ट्रेड लिया हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो के एंड में लाइक कमेंट करना ना भूलें, और हो सके तो बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक हमेशा अपडेट रहती रहे। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं सेंसेक्स का मार्केट आज कैसा था और सेंटीमेंट्स क्या बन रहे थे मार्केट में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने स्क्रीन पर सेंसेक्स के ग्राफ खोल रखा है, तो आपके सामने सेंसेक्स का आज 24 तारीख का ग्राफ खोल रखा हूं मैं, देख सकते हैं आप डेट मेंशन भी और 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं। तो आज का मार्केट जो ओपनिंग हुआ था वो मार्केट ने आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, आप देख सकते हैं कल का मार्केट इस जगह पे क्लोजिंग दिया हुआ था, यानी कि जी हाँ यानी कि कल का मार्केट जो क्लोज दिया हुआ था आप देख सकते हैं ये इस लेवल पे 75,350 के लेवल पे, यानी कि थर्सडे का मार्केट ने क्लोजिंग दिया हुआ था सेंसेक्स में। और उसके बाद गैप डाउन ओपन होता है मार्केट डायरेक्ट 75,250 के लेवल पे, यानी कि 100 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, और उसके बाद तुरंत बाइंग स्टार्ट होती है, क्योंकि कल के डेट में यानी कि थर्सडे के मार्केट में काफ़ी भारी मात्रा में FIIs जो है बाय करके गए हुए थे, करीब करीब 4,632 करोड़ के आसपास कल के थर्सडे के मार्केट में FIIs ने बाइंग की हुई थी, और DIIs ने भी और प्रो ट्रेडर्स ने भी, मतलब सारे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं और बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं उन्होंने बाइंग दिखाई हुई थी। तो मार्केट आज का गैप डाउन खुलते ही आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया हुआ है, और मार्केट खुलते ही आपका देख सकते हैं कि चला जाता है 75,575 के लेवल पे, यानी कि सीधा सीधा आप देख सकते हैं 250-300 पॉइंट का मार्केट ने ऊपर की तरफ रैली दिखाई हुई है, और वापस से मार्केट वापस से नीचे आकर उसी सेम पॉइंट पे 75,275 के लेवल पे मार्केट वापस से आ जाता है। तो मार्केट में आजकल ऐसा चल रहा है कि काफ़ी मैनिपुलेशन चल रही है। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन का टाइम है, हम हेज कर लेंगे या स्ट्रेटल बना लेंगे, दोनों कॉल पुट बाय कर लेंगे और हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है इलेक्शन डेट पे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं, उनके माइंड आपको क्या लगता है कि इतने ईजिली वे में चलते हैं कि आपको दोनों तरफ से वो कमाने का मौका देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी मैनिपुलेशन चल रही मार्केट में, और देख सकते हैं आपकी आपको जो लग रहा है कि हम इलेक्शन के एक दिन पहले अच्छा खासा पैसा बनाने के लिए हम अपना कैरी फॉरवर्ड करेंगे पोजीशन और हम अगले दिन अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में उससे पहले ही जो है काफ़ी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूवमेंट हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी ने भी अपने ऑल टाइम हाई हिट कर रखा है, निफ्टी 50 ने भी 23,000 का लेवल ब्रेक कर दिया है आज के डेट में। तो पहले ही मोमेंट इतनी अच्छी हो जाएगी कि उस डेट तक मार्केट में कुछ करने को बचेगा नहीं, आप ऐसा ही देखिएगा ऐसा ही होगा। खैर देख सकते हैं उसके बाद मार्केट जो गिरता है 72,250 के लेवल पे, उसके बाद मार्केट में वापस से बाइंग स्टार्ट होती है, क्योंकि बुलिश मोमेंट कल के डेट से ही दिख रहा था मार्केट में कि मार्केट जो है अपवर्ड की तरफ मोमेंट दिखा सकता है। तो हमने आज कॉल के साइड हमने अपना सारा बनाया हुआ है ट्रेड और उसमें हमने प्रॉफिट गेन किया हुआ है। हालांकि मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है 75,366 के लेवल पे, ये आप देख सकते हैं। तो काइंड ऑफ देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंट आज की तरफ एक तरफ का डायरेक्शन हुआ नहीं है, एक रेंज में ही मार्केट था, ये देख सकते हैं इस रेंज में मार्केट फंसा हुआ था। एक तरीके से आप कह सकते हैं इसमें एक्यूमुलेशन ही चल रहा है, इसके बाद अब एक तरफ का अगर मार्केट टूटेगा तो काफ़ी बुरी तरीके से मार्केट टूट भी सकता है इधर एक हफ्ते के बीच में, तो वही देखेंगे हम आगे। आपको लेवल भी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएं कि क्या क्या लेवल हो सकते हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपको माइंड में रखना है और उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग में आपको अपने ट्रेड बनाने हैं। तो आइए ऑर्डर लिस्ट में चलते हैं और दिखाते हैं कि हम क्या आज का ट्रेड बनाए हुए हैं।
बैक कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने ऑर्डर लिस्ट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जी हाँ, मैंने पहला ट्रेड जो लिया हुआ है 9:43 पे, जैसा कि मैंने बताया कि मैं कॉल साइड का ही देख रहा था और ऊपर की तरफ ही मार्केट मूव करने वाला था, तो मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया क्योंकि मार्केट में बहुत तेजी से ऊपर की तरफ, आप देख सकते हैं मार्केट खुलते ही ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो रही थी, तो उस टाइम पर मैं दौड़ा कर ट्रेड नहीं लेना पसंद किया क्योंकि मेरा थोड़ा सा छूट गया उस टाइम पर, क्योंकि मुझे पहले ट्रेड में ही अगर मैं पहला ऑर्डर अपना सेट कर लेता तो मुझे अच्छा प्रॉफिट बनता। लेकिन आप देख सकते हैं 9:43 पर मैंने अपना कॉल साइड का मिड से भी निफ्टी में बनाया क्योंकि मुझे सेंसेक्स के ग्राफ में, सेंसेक्स के मार्केट में कुछ खास मोमेंट उसके बाद दिख नहीं रहा था कॉल का। अब आइए मैं आपको अपना मिड सीपी निफ्टी में दिखाता हूँ कि क्या ट्रेड बन रहा था, उसका भी मैं दिखा देता हूँ साथ ही साथ आपको। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मिड कैप में आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि मिड कैप में अच्छी रैली ऊपर की तरफ दिखाई दी है, और भी जो भी सारे इंडेक्सेस थे उसमें कोई भी इतनी खास मोमेंट नहीं हुई थी क्योंकि मुझे पता था एक दिन पहले जो अब मंडे को होगा मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी, तो उसके एक दिन पहले काफ़ी अच्छा मोमेंट इसमें देखने को मिल सकता था, इसकी मुझे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था, तो मैंने मिड कैप का अपना नज़र बनाया हुआ था। तो मैंने जो पहला ट्रेड बनाया हुआ मिड कैप में 9:43 पे, यानी कि इस लेवल पे, करीब करीब इस लेवल पे मैंने कॉल साइड का एक ट्रेड बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा मार्केट 2-3 कैंडल आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा था मार्केट को, हालांकि इसको जाना ऊपर ही था, लेकिन मैंने पहले ट्रेड में जो अपना काट दिया है आपको दिखाता हूँ अभी। यह पहला ट्रेड मैंने जो एग्जीक्यूट किया 59.45 रुपये पे इन द मनी का, मैंने दो लॉट बाई किया हुआ है, और मैंने दोनों लॉट को निकाल दिया करीब करीब, आप देख सकते हैं कि 25 मिनट के अंदर सेम प्राइस पे मैंने ब्रेक इवन पे मैंने निकाल दिया। वापस से मैंने 3 मिनट के बाद 63.35 रुपये पे बाई किया सेम स्ट्राइक प्राइस को इन द मनी का, और मैंने 10 रुपये का मार्जिन यहाँ पे ग्रैब किया, तो यानी कि मुझे 150 क्वांटिटी के साथ 1500 रुपये का मुझे यहाँ पे इस ट्रेड में प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मैंने अपना सेकंड ट्रेड बनाया 1 लॉट के साथ, और इसमें जो मेरा पहला ट्रेड में कैपिटल जो यूज़ हुआ था आप देख सकते हैं कि मात्र, तो पहले ट्रेड में मैंने अपना यहाँ पर जो कैपिटल यूज़ किया वो करीब करीब 8900 रुपीज़ का मैंने कैपिटल यूज़ किया, जो कि ब्रेक इवन पे मैंने काट दिया, और दूसरे में मुझे मैंने 9500 के आसपास मैंने कैपिटल यूज़ किया जिसमें मैंने 1500 रुपये का प्रॉफिट बनाया। आइए अब तीसरे ट्रेड की तरफ चलता हूँ और दिखाता हूँ, मैंने दूसरे स्ट्राइक प्राइस में 11425 के स्ट्राइक प्राइस में मैंने अपना तीसरा ट्रेड दिया, जिसको मैंने 71.80 रुपये पे बाई किया और 74.65 रुपये पे मैंने सेल आउट कर दिया एक क्वांटिटी ओनली। तो इसमें मुझे कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं क्योंकि मार्केट मैनिपुलेट कर रहा था, आपको मैं ग्राफ में भी दिखा देता हूँ कि 11 बजे मैंने बाई किया और 10 मिनट के अंदर मैंने निकाल दिया। वापस से मिड कैप निफ्टी का ग्राफ खोलते हैं, जी हाँ, तो इस लेवल पे मैंने बाई किया और आप देख सकते हैं इसके बाद एक रेजिस्टेंस मार्केट को देखने को मिल रहा था मार्केट में इस लेवल पे, और मैं इस लेवल पे मैं मार्केट से निकल गया क्योंकि इस लेवल के बाद आप देख सकते हैं मार्केट थोड़ा सा पॉज ले लिया और वापस से थोड़ा सा रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं मार्केट से यहाँ से निकल गया क्योंकि इसके बाद मुझे लग रहा था मार्केट में, क्योंकि सारे इंडेक्सेस जो थे निफ्टी कह लीजिए फिर निफ्टी कह लीजिए, और इसमें कुछ ज़्यादा बड़े मूवमेंट देखने को मिल नहीं रहे थे, तो मुझे ये लग रहा था कि और भी इंडेक्सेस का हेल्प यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो मार्केट हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है या फिर यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो सकता है, तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ 1500 रुपये का बना लिया हुआ था, तो मैंने इस ट्रेड से यहाँ पर निकलना ज़रूरी समझा। उसके बाद मैंने सेंसेक्स में एक अच्छी मूव दिखी और मैं दिखाता हूँ कि उसमें मैंने बड़ा पॉइंट ग्रैब किया, आपको दिखाऊंगा मैं अभी अपने फोर्थ ट्रेड में, अभी इसको इग्नोर करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। फोर्थ ट्रेड जो मेरा लास्ट ट्रेड था, सॉरी हाँ, ये 150 पे मैंने बाई किया सेंसेक्स का 75300 का कॉल, जिसको आप देख सकते हैं कि मैंने 213 रुपये पे सिर्फ एक लॉट मैंने यहाँ पे बाई किया था, मैंने यहाँ पे कैपिटल बहुत ही कम लगाया, आप देख सकते हैं मात्र 1500 रुपये यहाँ पे मैंने कैपिटल यूज़ किया था क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था अच्छी रेट में, तो मैंने सिर्फ एक लॉट बाय किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 63 रुपये का मार्जिन यहाँ पे मैंने ग्रैब किया। अब आइए इसको दिखाता हूँ मैं, 12:41 पर मैंने बाय किया और मैंने 20 मिनट के अंदर यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे ग्रैब किया। सेंसेक्स में दिखाता हूँ मैं आपको ये पॉइंट, जी हाँ, यहाँ पे मैंने बाइंग की हुई थी 12:40 पे और 1 बजे के आसपास इस मोमेंट पे मैंने अपना ट्रेड निकाल दिया। तो यहाँ पे एक अच्छा आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट दिख रहा था मार्केट के ब्रेकआउट का, मैं आपके लिए एक लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मार्केट जो है इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, फंसा हुआ था, जिसको मैं अभी दिखाता हूँ आपको ड्रॉ कर, जी हाँ, तो मैंने ये लेवल ड्रॉ करके रखा है ट्रेंड लाइन, तो इस लेवल में आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर एक जोन बना रहा था मार्केट, उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि रिटेस्ट किया मार्केट ने, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया इस ब्रेकआउट का और यहाँ पे मैंने सिंपली बहुत ही प्यारे तरीके से इस पॉइंट को ग्रैब किया और इस 2 कैंडल में मैंने अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे ग्रैब किया, जो कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने स्ट्राइक प्राइस में 63 रुपये का मार्जिन यहाँ पे ग्रैब किया, तो इसमें भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रखा था। और लास्ट ट्रेड जो था वो मैंने कल के डेट में एक बाय किया हुआ था भारतीय एयरटेल का कॉल साइड का,
स्ट्राइक प्राइस जो था 1400 रुपये का कॉल था मई के मंथ का, जिसको मैंने बाई किया हुआ था, आपको दिखाता हूँ ओपन करके। तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है एक्चुअली, वो कल का मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था जिसको मैंने बाई किया हुआ था, स्ट्राइक प्राइस को 6 रुपये पर मेरी बाइंग थी, मात्र 6 रुपये पर मैंने बाई किया था एक लॉट, यानी कि 475 क्वांटिटी का एक लॉट होता है भारतीय एयरटेल का, और मैंने इसको आज की डेट में सेल आउट कर दिया 10 रुपये 50 पैसे पे, यानी कि मैंने यहाँ पे 4.5 रुपये का मार्जिन यहाँ पे ग्रैब किया। तो आगे चल के अभी पोर्टफोलियो में दिखाऊंगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मैं उससे पहले आपको स्ट्राइक प्राइस में दिखाना चाहता हूँ कि ये स्ट्राइक प्राइस, इसको कल के डेट में मैं दिखाता हूँ, मेरी बाइंग इस जगह पे थी, इस लेवल पे, यहाँ पे मैंने बाई किया था, और एक दिन के बाद मैंने जो इसको सेल आउट किया हुआ है, मैंने 10.5 रुपये के आसपास, यानी कि इस लेवल पे आप देख सकते हैं, इस लेवल पे बार बार मार्केट आने के बाद नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा रहा था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया और मैंने इस लेवल पे अपना टारगेट लगाकर छोड़ दिया 10.5 रुपये पे। और आप उसके बाद जस्ट देख सकते हैं कि मार्केट 14.20 रुपये, यानी कि 14.10 रुपये तक गया ठीक उसी 5-10 मिनट के अंदर, और वापस से मार्केट में आप देख सकते हैं वापस से सेम जगह पे जहां पे मैंने अपने 10.5 रुपये पे काटा हुआ था, वापस मार्केट वहां पर वापस से आ जाता है। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि मैंने अच्छा किया था कि उस टाइम पे कट कर दिया, लेकिन अगर मैं नहीं कट करता तो मुझे इस सिंगल ट्रेड में करीब करीब 4000 तक का प्रॉफिट एक सिंगल ट्रेड में हो जाता, लेकिन फिर भी मुझे 2100-2200 रुपये के आसपास इसमें मुझे प्रॉफिट मिला हुआ है। तो आइए अब पोर्टफोलियो में चलते हैं, मैंने अपने अपने सारे ऑर्डर के बारे में आपको बता दिया, और कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी आप देख सकते हैं कि मुझे दिन का 300 रुपये का चार्ज देना है, और इसमें कल का भी ट्रेड एक इंक्लूडेड है। तो पोर्टफोलियो में चलते हैं और देख सकते हैं आपकी मुझे दिन भर का 4661 रुपये का आज का प्रॉफिट हो रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मैं मानता हूँ। मात्र इसमें मैंने 10,000 तक का ही कैपिटल यूज़ किया हुआ है, और एक टाइम पे मैंने सेंसेक्स का जो ये वाला ट्रेड है, मैंने इसको मैंने दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पर, हाँ ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस था इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंट दिखाया हुआ था, और इसको मैंने बहुत ही पहले कट कर दिया था, तो मेरा प्रॉफिट जो है करीब करीब, अगर भारतीय एयरटेल का भी अगर आप देख सकते हैं, तो मुझे करीब करीब 7,500 तक का ही प्रॉफिट दिखा रहा था एक टाइम पे, लेकिन मैंने उस टाइम पे कट नहीं किया था अपना प्रॉफिट, लेकिन डिसेंट प्रॉफिट आज के डेट में फिर भी मैं इसमें से 300 रुपये अगर लेस भी कर देता हूं, तो 4300 रुपये का मुझे आज के डेट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मैं मानता हूं कि जो कि मुझे हो रखा है। तो इस वीडियो में इतना ही था, और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इलेक्शन के आसपास का डेट जो है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, मार्केट को वॉच करिए, बहुत ही अच्छा सेटअप बने आपका तभी ट्रेड लीजिए। मेरा सेटअप नहीं बन रहा था इतने दिनों से, और मैं इसलिए ट्रेड अपने नहीं बना रहा था, क्योंकि मैं मार्केट में प्राइस एक्शन बेस पे ही काम करता हूं, आजकल मेरा सेटअप नहीं बन रहा है, तो मेरी कोई जरूरी नहीं कि मैं जबरदस्ती का ट्रेड लूं, इसलिए मैं ट्रेड नहीं भी कर रहा था, और आज मेरा अच्छा सेटअप बना और मैंने अच्छा प्रॉफिट गेन किया, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं मंडे को ट्रेड करूं, मैं कंफर्म नहीं बता सकता क्योंकि मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ अभी ट्रेड को इलेक्शन तक का, तो शायद ही हो सकता है वीडियो आए, अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं ज़रूर ट्रेड का वीडियो बनाऊंगा, चाहे मुझे लॉस हो या प्रॉफिट हो, लेकिन मैं मेरे चांसेस जो हैं बहुत ना के बराबर है कि मैं ट्रेडिंग करूंगा। मैं कुछ दिनों से इंट्राडे कर रहा था पेपर ट्रेडिंग में ही, क्योंकि जब आपका सेटअप नहीं बनता है तो आपको उस टाइम पर रियल मनी को अवॉइड करना चाहिए मार्केट में गंवाने से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही था, और अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई वीडियो ट्रेड के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, जय हिंद।